निन्नी पांडे को छोड़ने के एवज में अपनी पत्नी लीला की मांग की है। साहब, लीला उसकी पत्नी नहीं है, देवी है साहब वो तो। और मांग के साथ ही उसने साफ साफ शब्दों में लिखा है, अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो निन्नी महाराज को जान से मार देगा। श्रद्धेय निन्नी महाराज का अपहरण करके उसने पाप किया है, और इससे पहले कि वो दुष्ट उनकी हत्या करके महापाप कर डाले, उस पे काबू पाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। अरे निन्नी महाराज बहुत बड़े संत हैं, उनके हजारों भक्त दूर दूर तक फैले हुए हैं, कहीं उनके साथ ऊंच नीच हो गई तो भक्तों और गांव वालों को संभालना प्रशासन के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जी हाँ, आप इसकी चिंता ना करें, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। एसपी से बात करो। एसपी आशीष शेर सर, ऑर्डर सर। आपके क्षेत्र बगौनी में चौकसा देवी के मंदिर के महंत निन्नी पांडे का अपहरण हुआ है। यस सर, बगौनी थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज है और संबंधित अधिकारी अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं सर। आशीष, ये एक धार्मिक मामला है, प्रशासन के ढुलमुल रवैये से दंगे फसाद हो सकते हैं, इसलिए इस काम को तुम खुद देखो। यस सर। जल्द से जल्द निन्नी पांडे की सुरक्षित रिहाई होनी चाहिए, इसके लिए अपहरणकर्ता को शूट भी करना पड़े तो पुलिस हेडक्वार्टर से इसके ऑर्डर हमारे पास हैं। ठीक है सर, मुझे 48 घंटे के अंदर अपराधी चाहिए, जिंदा या मुर्दा। हेलो हेलो, थाना बगौनी। हाँ भैया, थाना बगौनी है, हम कहाँ कह रहे, मैरोनी है। शट अप, थानेदार साहब से बात कराओ, मैं एसपी आशीष बोल रहा हूँ। जय जनाब, मैं डूट सिंह। निन्नी पांडे अपहरण कांड की कार्यवाही सख्त कर दीजिए। जी जनाब। हेड ऑफिस से क्षेत्र में रेड अलर्ट और अपराधी के लिए शूट आउट ऑर्डर्स है, समझे आप? जी जनाब। 48 घंटे के अंदर अंदर मुझे डीआईजी साहब को रिपोर्ट करना है। जी जनाब। जय जनाब। किसका फोन था साहब? कप्तान साहब का फोन। क्या कह रहे थे? अंग्रेजी में बोल रहे थे, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। कह रहे थे हेडक्वार्टर से ऑर्डर है, दीपक को देखते गोली मार दो।